हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सॉलिड का क्वेश्चन नंबर 8.15 डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर 7×10⁶ पास्कल, बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर 140 गीगा पास्कल हमें यहाँ से दे रखा है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, हमें निकालना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो बल्क मॉडुलस हमारा होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब हमें यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम निकालना है जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर अपॉन बी के इक्वल। तो अगर मैं डेल वी निकालता हूँ तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम और बी हो जाएगा। अच्छा, मैं वॉल्यूम यहाँ पर देख लेता हूँ। साइड मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बना लेके 10⁻² का करूँगा और वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब कर दूंगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा 10⁻³ पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर हमें दे रखा है 7.0×10⁶। वॉल्यूम हमें दे रखा है 10⁻³ डिवाइडेड बाय बल्क मॉडल्स हमें दे रखा है 140 गीगा को चेंज करने के लिए 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा। 7 से मैं इसको कट करूँगा तो 7×2=14 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1/20 और पावर हो गई 10⁻⁶, यानी 0.05×10⁻⁶ मेरे पास मीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा।